And I am rich. ये है कि हमारे साथ है एक सेलिब्रिटी. We are going home. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. मैं भी खैर खैरियत से हूँ. आज हमारी मेट फिर से नहीं आई है तो जल्दी जल्दी हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं क्योंकि ऑफिस में भी बैठना है. तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें चीनी. 3 कप हैं तो चीनी पर कप 2 स्पून्स डालूँगी मैं. नमक इसमें मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ और ये हमने सारी चीनी डाल दी है. उसके बाद चीनी को चीनी की जगह पे ही रखते हैं. उसी वक्त जगह पे रख दिया जाए तो काम आसान हो जाता है. कप्स निकालते हैं और कप्स को सेट करते हैं. मीनवाइल हम अपने नाश्ते की ट्रे को भी सेट करेंगे. ये बटर ब्रेड मैंने रख दी है. बटर लगाते हैं थोड़ी देर में जब तक हम चाय का बॉयल देखते हैं. और चुटकी बजा के हमारी चाय बन जाएगी. ये देखें मीटिंग्स भी करेंगे और आज मैं अपनी मेट को थोड़ा सा डांट भी लगाऊंगी हाउस हेल्पर को, क्योंकि अगर वो रोज़ ही छुट्टियां करेगी और रोज़ ही मुझे घर के काम करने पड़ेंगे तो ऑफिस कौन देखेगा. बाकी वो अगर हाउस हेल्पर ही नहीं आएगी तो फिर कैसे चलेगा. मतलब मैं अपना ऑफिस भी देखूं, फिर घर का भी काम देखूं, फिर शिमी को भी देखूं और फिर अभी जो मैंने व्लॉग स्टार्ट की हुई है उसको भी, फिर उसमें एडिटिंग भी होती है यू नो. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स. सो हैट्स ऑफ टू देम जो ये काम कर रहे हैं, लाइक मरियम परवेज, कायनात हो गई, लाइफ विद कायनात हो गई एंड सितारा यासीन एंड अमारा. बहुत सारे लोग हैं, अभी अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे. नाश्ते के बाद मिलते हैं. Stay tuned. No, I guess Dipti, you are saying. Yeah, this is that will be fine. Because maybe you know when they are figuring out, basically the course of things are different for everybody. Like how they are looking, how you are looking, exactly. Yeah. So yeah. So we need everybody's perspective as well. And I am ready, ready as in नहा धो के मीटिंग्स अटेंड करके मैंने कहा अपनी शक्ल थोड़ी दुरुस्त करूँ ताकि आप लोग को दिखा सकूँ, वरना थोड़ा हाल हुआ हुआ था. आपको पता है मेड नहीं आती है तो इंसान पागल हो जाता है. जैसे मैंने बोला घर का काम भी था, ऑफिस का काम भी था. तो या आई एम डन विथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ. ये कुछ मीटिंग्स अभी थोड़ी शाम में है और नहा धो भी लिया है. अब पढ़ते हैं नमाज और नमाज के बाद फिर चाय शाय बनाते हैं, स्नैकिंग वगैरह करते हैं, थोड़ी सी पेट पूजा एंड देन वी विल हाँ फिर कपड़े ज्वेलरी शूज मैचिंग वगैरह सब निकाल के रखते हैं कि जो आज हम पहनेंगे. सो या टुडे विल बी फन डे. इट्स अ टाइम टू डिस्को. मीटिंग से फ्री होते ही साथ हमारे यहाँ चिकन में चिकन में कह रही हूँ, इतनी भूख लग रही है कि चिकन बोल रही हूँ. किचन में किन्नौर के झटपट तैयार होने वाले नूडल्स बनाने हैं. अच्छा मैंने 2 पैकेट्स चटपटा लिया और 2 पैकेट्स चिकन. अच्छा मैं जब बॉईल पानी कर रही होती हूँ ना तो उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी डाल देती हूँ, सोया सॉस, चिली सॉस एंड विनेगर और थोड़ा सा माई सीक्रेट मसाला, इट्स चिकन पाउडर. अच्छा हम उसको डालते हैं. अच्छा ये अच्छा पानी में थोड़ा सा मसाला डालने से पता क्या होता है, जब नूडल्स के अंदर भी इतना फ्लेवर आ जाता है मज़ेदार वाला. कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा फिर मुझे बताइएगा. मतलब नॉर्मल बनाने में और इसमें बनाने में फ़र्क आता है. तो हम इसको मिक्स करते हैं और उसको थोड़ा सा बॉयल होने के लिए छोड़ते हैं. इसको हम थोड़ा सा यूँ करते हैं ताकि अच्छे से अंदर हो जाए, अभी टूटा नहीं है, इट्स हार्ड स्टिल. तो अब हम इसको बॉयल पे लगाते हैं, मतलब बॉयल में लगाते हैं उसको ढकते हैं एंड पैकेट वाला ये मसाला जो मैंने इस बोल में सब डाल दिया था. अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. अब आप लोग
इसके बाद थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद हसबे जायका ये मज़ीद और डाल सकते हैं, थोड़ा स्पाइसी डालना है। मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर भी डालती हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट भी, क्योंकि आई वॉन्ट स्पाइसी। एंड तो हाँ जी, हमने सब कुछ डाल दिया, अब इसको हम मिक्स करेंगे। इतनी अच्छी कोई खुशबू आ रही है ना कि पेट से आवाज़ें आ रही हैं कि नो इसका मैजिक यार। बाय द वे, जो किनोर ने नया फ्लेवर जो लॉन्च किया दैट स्पाइसी वन, आई विल बी ट्राइंग दैट एज वेल। मैंने मंगवाया बट अभी तक मौका नहीं मिला बनाने का। लाते हैं, इसको ढकते हैं। जैसे मैंने उस दिन उस शेफ की बात की थी ना, आई गेस आप लोग को याद है या नहीं, अपनी ही गर्माइश में, अपनी ही गर्मी में ये फ्लेवर और पकेगा। And this is ready. Wow, it looks so yum. तो डालते हैं अपने बोल्स में एंड जब मुझे वेट नहीं हो रहा मैं खाती हूँ और फिर बताती हूँ कैसा था। And guys, my tray is ready. खाते हैं, नूडल्स भी खाएंगे और ऑफिस भी करेंगे, नूडल्स भी खाएंगे ऑफिस भी करेंगे। हम लोग हो गए फ्री ऑफिस से, ऑफिस का ऑफ हो गया, सारे काम हम सब कर लिए, खा लिया पी लिया, पेट पूजा सब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई किस्मत क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। स्टे ट्यून्ड गाइस, मुझे देखिएगा जब मैं रेडी होंगी। किसका है ये तुमका? मुझे सबसे मुश्किल काम करने बाल स्ट्रेट, मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है बाल स्ट्रेट करना। एनीवेज हम बाल स्ट्रेट करते हैं और फिर तैयार होके आपसे मिलते हैं। स्ट्रेटन बहुत डाई शाई ब्लीच वाले डाई, जिस टाइम पहले पता नहीं था ना, तो वो ब्लीच वाले डाई वगैरह से मेरे बालों का जो बुरा हशर हुआ था, अल्लाह माफ करे, उस वक्त उसके बाद से मेरे बाल सही नहीं हो पाए, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर लिया। तो गाइज, इफ यू हैव एनी टिप्स फॉर यू नो स्ट्रेटनर का प्लग निकल गया, कोई टिप्स हैं आप लोगों के पास, जिस मतलब ट्राई किए हुए टिप्स हैं, लाइक जैसे बाल वाकई ना अच्छे हो गए, मोटे हो गए, रीग्रो होने लगे, तो मुझे ज़रूर बताइए। आई नीड बैडली, मैंने बहुत कुछ इस्तेमाल किया। मेरा बाल एक्चुअली मोटा है बट नीचे से बहुत पतला हो जाता है, तो हेयर फॉल भी बहुत होता है अनफॉर्चुनेटली, और फ्रिज भी आ गया। सो आई नीड समथिंग, बंदा कितना पैसा खर्च करेगा केराटिन मिलने, तो कुछ ऐसा घरेलू यू नो टोटके शोटके हैं अगर आप लोग के पास हैं तो मुझे बताइएगा। मैंने वैसे राइस वाटर यूज़ किया था, उससे मेरे बालों की हाँ ग्रोथ हुई थी, बट वो भी मुझे 2 या 3 साल पहले मैंने ट्राई किया था, इतना टाइम नहीं होता। डैमेज मजीद बालों को डैमेज आई डिस सीरम गाइस, मैंने शावर ले जब लेके आई थी तब मैंने अप्लाई कर लिया था, तो उससे बाल कम डैमेज होते हैं, कम से कम डैमेज होते हैं, डैमेज तो फिर भी होते हैं, हीट लग रही है तो मिलते हैं तैयार होके। Mariam, hello, open the door.
और ओके तो गाइस ये है कि हमारे साथ हैं एक सेलिब्रिटी रुके रुके दिखाते हैं और कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट ठीक ठाक। तो आज के इवेंट में भी है हया भी। गाइस वी आर वेरी हंग्री एंड खाना लग रहा है रायता सैलेड थोड़ा सा एंड बहुत बहुत भूख लग रही है। सो या कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, खाना मतलब भूखी आप देख रहे हैं, बोला भी नहीं जा रहा है। एंड नाउ वी आर ईटिंग। हमने खाना पूरा कर दिया खत्म। हया की प्लेट है, कैसा महसूस कर रही हूँ खाना खाने के बाद? तो आप मुझे अपॉइंटमेंट कब देंगे अनीजा ब्यूटी पार्लर का? तो गाइस जब ये अपॉइंटमेंट देंगे फिर हम इनके पार्लर में जाएंगे और इनका देखें आईज बंद करें, ये इन्होंने खुद से किया है द शिमर द ग्लिटर मेकअप है ना। लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट कौन करेगा? कमेंट भी करिएगा। ओके गाइस, बिस्मा के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और सून मेरा भी चैनल आने वाला है। एंड आई गॉट द गुडी बैग एज वेल। इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं। वाओ, इसके अंदर है कोकोमा, लेस पेन चीज एंड सम कपकेक, दिस लव लेटर एंड बलून जो कि मेरे से मिलेगी। गाइस आई एम बैक होम, तो मैं चेंज वेंज करूंगी, फ्रेश होंगी, मुंह धोऊंगी, नमाज पढ़ूंगी और फिर सोऊंगी, क्योंकि कल सुबह है फिर से ऑफिस 9 बजे। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा मेरी नीस मेरी अनाया की बर्थडे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।